प्रधानमंत्री जी का पोता सांसद 3000 वीडियो वायरल यौन शोषण के फरार है, इंटरपोल की मदद ली जा रही है। बाप भी इसी तरह का आरोपी है, वह अभी जेल में है और दादा प्रधानमंत्री। पीएम मोदी ने भी हाथ उठवा करके वोट मांगा था और कहा था कि इनकी जीत हमें मजबूती प्रदान करेगी, गठबंधन था। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की मदद ली जा रही है, क्या उसे पकड़कर भारत के न्यायालय में पेश किया जाएगा या फिर वह फरार ही रहेगा? यदि 4 जून को रिजल्ट आता है और फिर से वह सांसद हो जाता है तो शपथ लेगा, जेल में रहेगा, और जिन लोगों ने उसे जिताने की अपील किया है उनका क्या होगा? विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है, प्रधान सेवक को कोई जवाब सूझ नहीं रहा है। दोस्तों, कुछ इन्हीं संदर्भों में जेडीएस के हासन सीट से, कर्नाटक से सांसद था और संसदीय चुनाव लड़ा है, प्रज्वल रेवन्ना। हम हैं आज जयपाल के साथ और इन्हीं संदर्भों में आज वार्ता करने जा रहे हैं कि एसआईटी का गठन कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, और कर्नाटक गवर्नमेंट किस प्रकार केंद्र पर हमलावर है और केंद्र किस तरह से बचाव की मुद्रा में इस मामले में देखा जा रहा है। जयपाल, शुभकामना आज के इस वीडियो में। शुभकामना हमारे दर्शकों को और आपको भी। बात यह है कि जिस शख्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वो मामूली शख्स तो है नहीं, तीसरी पीढ़ी का नेता है और दादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्वयं है, खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दादा प्रधानमंत्री, चाचा एचडी कुमार स्वामी मुख्यमंत्री, पिता उसका मंत्री, माता जिला पंचायत, सब, मतलब पूरा एक लंबी फहरिस्त है। और आप देखिए कि 3000 महिलाओं के साथ उसने जिस तरह के आपराधिक कृत्य किए, उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, उसकी कहानी हम अपने दर्शकों को जरा छोटे में बता देते हैं क्योंकि पूरा मामला बिना बताए आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहानी ये शुरू हुई कि उसका एक ड्राइवर था और ड्राइवर से बहुत नज़दीकी संबंध हो जाता है किसी भी व्यक्ति का क्योंकि वो लगभग सारे हर समय में उसके साथ रहता है। तो प्रज्वल रेवन्ना का मोबाइल यूज करता था वो ड्राइवर और उसने, चूंकि ये लोग अब कुछ गलत काम भी करते हैं, पावर में होते हैं, तो अपने नौकरों के नाम जमीन करवाते हैं, जो धन है वो सब उनके यहाँ रखवाते हैं, तो इन्होंने भी एक गलती कर दी, 16 एकड़ की जमीन अपने ड्राइवर के नाम। अच्छा, पहली बात तो यह कि ड्राइवर उसी को लेके जाते रहे होंगे, कई एक ड्राइवर होते हैं लेकिन विश्वसनीय जो होता है उसी को ऐसे मामलों में लेते हैं, और उसने फिर कलाकारी यह किया कि सब वीडियो बनाता रहा इनका। नहीं, वीडियो तो सब रेवन्ना ने बनवाए थे। अच्छा। और खुद रेवन्ना ने भी वीडियो बनाया था। हाँ। और सारा इसके मोबाइल में था, ड्राइवर के हाथ ये सारा वीडियो इसलिए लगा क्योंकि ड्राइवर उसका निजी मोबाइल इस्तेमाल करता था। हाँ। और ड्राइवर के मन में एक लालसा ये आई कि क्यों ना 16 एकड़ जमीन को अब ले ही लिया जाए क्योंकि सारे कागजात उसी के नाम पे हैं। हाँ। तो कोर्ट में पहले उसने केस फाइल करी लेकिन ये लोग दबाव बनाने लगे, किडनैपिंग करने का दबाव बनाया, उसके बाद जान से मारने की धमकी दी, तो उसने भी अपना पूरा खेल खेल दिया और सारा वीडियो जो है वो एक पेनड्राइव में ले लिया। अब चुनाव का वक्त भी आ रहा था, धीरे धीरे उसने बीजेपी के नेता को संपर्क किया, वही नेता जिसने रेवन्ना के खिलाफ इलेक्शन में चुनाव लड़ा था 2019 के, लेकिन हार मिली थी। फिर उसने अपने मतलब नेता पहली बार या पिछली बार के चुनाव में गठबंधन नहीं था, रेवन्ना के खिलाफ हमारे प्रधान सेवक ने भाषण किया था और इस बार रेवन्ना का हाथ उठा करके कहा कि एक तक कहा मंच पे कि रेवन्ना को दिया गया एक एक वोट मुझे मजबूती प्रदान करेगा। तो ये अब और रेवन्ना द्वारा किया गया एक एक कुकृत्य हमारा क्या करेगा ये तो नहीं बोला, जानते थे लेकिन अमित शाह को पता था, नरेंद्र मोदी को पता था। जयपाल, इस बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लिया जाए, लोग कहेंगे कि आप एक तरफा कह रहे हैं, हम लोग तो कैसे जानते थे, जैसे हम कैसे हैं, हमारा सुकृत्य और कुकृत्य कैसा है, जो देखेगा वही जानेगा, तो यह लोग कैसे जानते थे? यह 26 तारीख को चुनाव था वहाँ। बिल्कुल, वो ऐसे जानते थे कि जो नेता, जिस नेता ने चुनाव लड़ा था बीजेपी का, उसने जाके सबसे पहले अपने प्रदेश अध्यक्ष को बताया, लेटर लिखा बकायदा, और वो लेटर अब तो सार्वजनिक है, हर कोई देख सकता है। अब प्रदेश अध्यक्ष ने जरूर ऊपर बात पहुंचाई होगी, लेकिन ऊपर कुछ सेटिंग हुआ होगा जिसके चलते उनकी बात को। जयपाल ने बड़ी बात कहा कि उस समय जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था उसके पास इनकी जन्म कुंडली थी, समय समय पर वह इसको बताता गया, कोर्ट में केस भी चल रही थी और प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से यह पूरी बातें केंद्र तक पहुंची। यह नहीं कहा जा सकता, दावा नहीं किया जा सकता कि हम इस बात को नहीं जानते थे। बिल्कुल, और उस नेता ने, बीजेपी के नेता ने बाकायदा ये जिक्र भी किया था कि ये तो जो वीडियो है वो कांग्रेस नेताओं के भी हाथ लग गया है, कम से कम ये पीछा छुड़ा लीजिए, इससे नहीं हमारी पार्टी की बड़ी किरकिरी हो जाएगी, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया गया। आप
जानते ही हैं कि कितने इन्हें तो 400 पार पहुंचना है। एनी हाउ गुंडा करेगा 400 पार, मवाली करेगा 400 पार, यौन शोषक करेगा 400 पार। अभी सुप्रीम कोर्ट के एक वकील साहब के साथ हम बात कर रहे थे, तो वह 400 पार। हमने कहा यह क्यों नहीं कहते कि गुंडा मवाली तस्कर और यह हुआ। चलिए उस वीडियो को जल्दी ही आप देखेंगे दर्शकों, बड़ा आनंद आएगा। अश्विनी उपाध्याय जी के साथ हमारा ये वीडियो है। मूल विषय पर आते हैं, तो फिर से विषय ये है कि अब वो ड्राइवर जो है वो किरदार निभाता गया, और उसने मजेदार बात यह है कि उसी नेता को अपना केस दिया, और वही बीजेपी का नेता वो केस भी लड़ रहा था कोर्ट में। और कोर्ट में जब ये मामला गया तो प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी दलील दी कि भाई हमें बदनाम करने के लिए इस तरह की वीडियो मार्केट में आने वाले हैं जो हमारे चुनाव को प्रभावित करेंगे। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। अब जो इलेक्शन था वो 26 अप्रैल को था, मतलब वोटिंग जो है वो 26 अप्रैल को पड़नी थी, लेकिन उससे पहले ही 4 दिन पहले अलग अलग चौराहों पर, सड़कों पर, सार्वजनिक स्थलों पर किसी ने जाके रेलवे स्टेशन पे वो जो वीडियो क्लिपिंग वाली 3000 वीडियो क्लिपिंग वाली पेन ड्राइव थी उसको रख दिया। मतलब एक अनजान शख्स रख के जाता है अलग अलग जगहों पे, लोग उसे उठाते हैं, देखते हैं, और तब पता चल जाता है। अंदर खाने सबको पता होता है, वहाँ के लोकलिटी में पता चल जाता है कि ये वीडियो किसका है। पहले लोग पशुपेश में होते हैं कि क्या पता हो सकता है डीप फेक हो, क्योंकि आजकल AI से बनाना बहुत आसान हो गया है, लेकिन धीरे 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 देखते जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो असल में वीडियो है, क्योंकि उनके घर के सारे बैकग्राउंड दिख रहे होते हैं, वो महिलाएँ दिख रही होती हैं जो उनके पार्टी की कार्यकर्ता होती हैं, पदाधिकारी होती हैं, और एक कुछ तो ऐसे भी हैं जो उनके बड़े करीबी अधिकारी हैं, महिला अधिकारी हैं। अब उन सबके चेहरे सामने आ गए हैं, तो उनको उनके लिए भी बड़ा मुश्किल पैदा हो गया है। मामला यहाँ से अब शुरू हुआ। उसके बाद इलेक्शन में किसी तरह से वोटिंग हो गई, दबा तो था ही क्योंकि कहीं सार्वजनिक हो नहीं सकता था कोर्ट के आदेश के बाद। अब 26 तारीख को जैसे ही ये मामला पता चला कि अब ये सार्वजनिक होने वाला है, रेवन्ना तुरंत फरार हो गए यहाँ से, और 28 तारीख को उनके घर में काम करने वाली एक मेड ने ये शिकायत दर्ज कराई पुलिस को, और पुलिस ने कहा कि अब क्यों शिकायत दर्ज करा रही है, तो उन्होंने कहा कि जब ये सब मामला उठ गया है तब मुझे हिम्मत मिली है, अब जाके मैं ये सामने रख रही हूँ। तो इसके बाद सब जगह पे सबके सामने वो मामला खुल गया। अब ये देखिए कि 3000 महिलाओं के साथ इस तरह के दुष्कर्म करने वाला आरोपी, अभी इतने आरोप में अभी मतलब प्रकाश में आए हैं इतने मामले, वो देश छोड़ के फरार हो जाता है, और अलग अलग पार्टियां आरोप लगा रही हैं, बीजेपी करेगी, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या यह मानसिक रूप से यौन शोषक था, इसकी चेष्टा बढ़ती जाती थी कि मतलब लगातार टेस्ट बदलने का इसका शौक था, इसको क्या बोलेंगे? अगर ये तो दिवालियापन बोलेंगे, मानसिक दिवालियापन भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अलग अलग आप कैसे कर सकते हैं किसी के भी साथ, अपने घर की महिलाओं के जो घर में काम करने वाली हैं नौकर, उनके किसी को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, नौकरानी की बेटी को भी वीडियो कॉल करता था, उसके बाद वो तंग आके मोबाइल उसने स्विच ऑफ कर दिया, इसकी शिकायत बकायदा लिखी गई है। तो आप सोचिए कि ये किस लेवल का आदमी था, और जाकर खुद भी महिला सुरक्षा पे बात करता था पब्लिक मीटिंग में, और जो जनसभा होती थी वहाँ पे बात करता था, प्रधानमंत्री के सामने भी महिला सुरक्षा पर ज्ञान देता था, प्रधानमंत्री ने उनका जो भाषण है वो सुना महिला सुरक्षा को लेके। तो बड़ा ही विडंबना है, और अब नोटिस, लुकआउट सर्कुलर जो नोटिस है वो जारी हुई, इसके साथ ही ब्लू नोटिस, ब्लू कॉर्नर जो नोटिस है वो जारी हो गई इंटरपोल के जरिए। इंटरपोल वो संस्था है जो 196 देशों में अलग अलग अपने कानून के सम्मत अलर्ट घोषित करती है, और जो अपराधी होता है, जो आरोपी होता है, उसके गतिविधि, लोकेशन, मेरे ख्याल से यह 1923 में बना था, और 1923 में ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी बना था, और 1923 में इंटरपोल का जो संगठन है यह भी बना था, यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा जो पुलिस संगठन है वो एक तरह से काम करता है कि 196 देश इस तरह से अपनी सूचनाओं को साझा करते हैं, और बड़ा ही मजबूत तंत्र है ये। फिर ऐसे आपराधिक मामलों में जो लोग हैं उनको खोज करके वो निकालेंगे, लाया जाएगा। लेकिन इसमें अब अहम बात यह है कि CBI ने इसे जब जारी किया तो अब इसकी समयावधि भी खत्म हो गई है, माने 7 मई को ही हाजिर होना था रेवन्ना को, लेकिन अब तक उसका कोई पता नहीं है, वो जर्मनी में कहाँ है, किस जगह पे है, कोई अता पता नहीं है। गृह मंत्रालय क्या कर रहा है उसका कोई मतलब, बाप जेल में है और यह विदेश में है, बाप जेल विदेश हो गई है। और जो राज्य सरकार है कांग्रेस की, वहां कर्नाटक के सिद्धरमैया, उन्होंने SIT बना दिया, SIT जांच भी कर रही, सब कुछ हो रहा है। एक जयपाल एक बड़ा आरोप लगाया है सिद्धरमैया और यहाँ कर्नाटक गवर्नमेंट ने कि साहब ठीक है जो भी था हुआ, यह भगा कैसे, आपने भगाया है एयरपोर्ट पर, आपने उसे रोका क्यों नहीं, अरेस्ट क्यों नहीं किया, तो आपने इसे जाने का मौका दिया, क्योंकि रहेगा तो और भी राज उगलेगा और फिर पूरे मामले दूध का दूध पानी का पानी होगा, इसलिए आपने इसे भगा दिया।
तो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कुल मिला करके, इसने जो किया है जिस तरह का निंदनीय और कुकृत आचरण है, और ऐसे तमाम लोगों को पोषित और पल्लवित करने का काम जो हमारे तमाम राजनेता करते हैं, राजनीति के खिलाड़ी करते हैं, धुरंधर करते हैं, तो अभी सामने आ गया। कांग्रेस को भी पाक साफ नहीं कहा जाएगा। हाँ। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस से ही गठबंधन था जेडीएस का, बिल्कुल, उसके बाद ही भाजपा से गठबंधन हुआ, तो दोनों पार्टियां एक दूसरे। जयपाल ने बड़ी बात कहा कि हम केवल एक को नहीं कहते, कांग्रेस भी इसमें दूध की धुली हुई नहीं है, और हुजूर ने तो हद कर लेकिन दिया। बीजेपी का एक तर्क जो है वो ये कि जो वीडियो बना है वो कांग्रेस के समय का बना है, तो हमारा कोई इससे लेना देना नहीं है। अच्छा, तो बेतुका तर्क। अच्छा, कांग्रेस के समय का बना है, उसके बाद साधु हो गया था वो। हाँ, उसके बाद साधु इस तरह का तर्क जो है वो बड़ा बेतुका है, लोगों को समझ से मतलब इनको इनके गुड सेंस की कामना ही की जा सकती है, और क्या कहा जा सकता है। अब अगर वह पकड़ करके आता है, कदाचित चुनाव जीत गया, तो शपथ ग्रहण उसका होगा, होगा, कोर्ट आदेश करेगा शपथ ग्रहण, लेकिन जब तक जेल में रहेगा सदन में तो नहीं जा पाएगा। तमाम लोग जैसे घोसी के सांसद अतुल राय 3 दिन गए हैं सदन में, मात्र 3 दिन, 1 दिन शपथ लेने और 2 दिन कार्यक्रम में टुकुर टुकुर देखते रहे, लेकिन यह जाएगा और क्या पता, पता नहीं क्या होगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल लगभग 3,000 के करीब मामले और जो धाराएँ लगी हैं वो अभी काफ़ी खतरनाक किस्म की हैं, 354A है और 354D है, महिला का पीछा करना, निगरानी करना, और उसे खराब नियत से 506 है, 509 है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा यौन उत्पीड़न करना, इस प्रकार की जो धाराएं लगी हैं और भी धाराएं लग सकती हैं। कुल मिलाकर के जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है, देश की सेहत के लिए, हमारे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के लिए और नेताओं का मुँह काला करने के लिए यह काफ़ी है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आज का यह वीडियो जयपाल के साथ, आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा और आपके कमेंट विनम्रता के साथ आमंत्रित किए जाते हैं।